दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से, एक नया वीडियो, एक नया आइडिया, एक नया रोज़गार के साथ। तो दोस्तों आज आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पल्वराइजर मशीन है। बहुत सारी वीडियो हमने आपको दिखाया है, कस्टमर रिव्यू भी दिखाया है। एक ऐसे ही कस्टमर रिव्यू के लिए आज हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फरपुर ज़िला में। मुजफ्फरपुर ज़िला का कौन सा जगह है ये, हम उनसे मिलते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से ही बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। बने रहिए आप हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अभी हमारे साथ कस्टमर जुड़ चुके हैं, इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं से लेते हैं और यहाँ का एड्रेस भी लेते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार हुआ। ये आप जो हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के पारू प्रखंड भगवानपुर सिमरा पंचायत, गांव का नाम हुआ गंगोई जी, वहाँ पे हैं आप? सरैया के हम आसपास में जी, सरैया और पारू दोनों के सेंटर में, सरैया से 5 किलोमीटर दूरी पड़ता है। सरैया और पारू के सेंटर में हम मुजफ्फरपुर ज़िला के। सबसे पहले राकेश जी ये बताइए, कितना दिन से मशीन यूज कर रहे हैं आप? सर ये लगभग 20 रोज से हम यूज कर रहे हैं इसको। 20 रोज से जी। क्या लगा आपको, किस तरीके का मशीन है ये? सर ये बहुत बढ़िया है और जीरो मेंटेनेंस है, इसको कोई भी व्यक्ति चला सकता है, जो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो वो भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी चला सकता जी है जी, कोई भी। कितना एचपी के मोटर में चला रहे हैं ये? 10 HP का मोटर है, 440 RPM है इसका, 1440 RPM है। और प्रोडक्शन कितना निकाल लेते हैं? प्रोडक्शन सर हमने 8 मिनट में 20 kg निकाला है, कुंटल अभी नहीं देखा है हमने। अच्छा। लेकिन उसी के एवरेज से, एवरेज मतलब 8 मिनट में हमने 20 kg खुद से निकाल जी देखा है जी। आप पूरा लोड भी अभी नहीं देते हैं इस पे, नॉर्मल एकदम हल्का मोटर पे भी लोड हम नहीं देते। साउंड कितना रहता है? साउंड एकदम नॉर्मल है, अगर इससे 10 फीट आगे जाइएगा तो आपको साउंड नहीं दिखेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इधर आप मशीन चला दे, हम इधर साइड में होकर बातचीत करते रहे? एकदम आराम से कस्टमर यहाँ बैठ के बात करते हैं, फोन से भी हम भी बात कर लेते हैं। अभी आप चला के दिखा सकते हैं? जी जी, चला के दिखाइए, चलते रहेगा तब तक पीसने के लिए है ना? जी जी है, एक मोटर पीसने के लिए है तो पीस करके कुछ दिखाइए, जब तक इधर पिसाई होते रहेगा हम इधर साइड में बातचीत करते रहेंगे। और भी जानकारी लेते हैं, मशीन चल रहा है, पीछे पिसाई हो रहा है, क्वालिटी किस प्रकार का रहता है? बहुत बढ़िया, जितने भी कस्टमर ले गए हैं दोबारा आते हैं और दूसरे को भी भेजते हैं कि बहुत बढ़िया पिसाई हो रहा है। इसमें छन्नी में चोकर नहीं आता है, चोकर भी नहीं आता, कोई नहीं आता है नहीं। आप फाउंडेशन का है नहीं करवाए नीचे? सर ये वाइब्रेट ही नहीं करता है तो फाउंडेशन का कोई जरूरी नहीं है, वाइब्रेट नहीं करता है। यहाँ पे नीचे पे जरा सा दिखाइएगा, ये अगर ये कार्टून का भी टुकड़ा रखा हुआ है तो बस एक ही जगह है, बाकी किसी साइड में नहीं है, बाकी कहीं नहीं है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। और वाइब्रेशन की बात है तो कोई वाइब्रेशन नहीं करता है। और यहाँ से उड़ने की बात है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ से उड़ जाते हैं, नहीं उड़ता नहीं। जब ये झोड़ी चेंज होता है तो सर ये हवा से बाहर करता है, हवा से बाहर करता जी, तो जब झोड़ी चेंज करेंगे तो थोड़ा सा डस्ट तो उड़ेगा। शॉर्टेज तो सब में उड़ता है। शॉर्टेज कितना जाता है? शॉर्टेज वही क्विंटल में 2 से 2.5 kg जाएगा, ये परफेक्ट है। उसके बाद नहीं जाएगा, उस क्वालिटी का आपका अनाज होना चाहिए। गेहूं हमने 1 12 kg तो पूरा सूखा हुआ होना चाहिए? नहीं, सूखा भी होना चाहिए। उसके बाद एक कस्टमर का ही था 12 kg 200, हमने उसको पीसा एकदम 12 kg 200 ही उतरा, लेकिन उस दाना का क्वालिटी बहुत बढ़िया था, सूखा हुआ भी अच्छे से होगा, उसमें कोई नमी वगैरह नहीं। जी जी, बहुत बढ़िया था, मतलब शॉर्टेज का भी कोई समस्या नहीं? नहीं, शॉर्टेज का कोई समस्या नहीं, आपके अनाज पे डिपेंड करता है, जिस हिसाब से अनाज रहेगा उस हिसाब से इसका शॉर्टेज आएगा। रोटी आप खाए हैं? जी, मेरे घर में खुद बन रहा है। चिम्मर कितना होता है? सर चिम्मर तो नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। उसके बाद जिस तरह से हम लोग मार्केट से खरीद के पैकेट वाला लाते हैं, पैकेट वाला लाते हैं, उस तरह का एकदम फ्रेश बढ़िया, एकदम समझिए तो दुधिया गोराई की तरह उसका रोटी होता है। होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर चिम्मर हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई अभी तक हमने 10 रोज से 15 रोज से पीस रहे हैं, अभी तक किसी कस्टमर का कोई शिकायत नहीं है। जो एक बार आते हैं दोबारा इस मशीन को देखने के लिए, बैठ के सामने पिसवा के उसके बाद ले जाते हैं। क्वालिटी को लेकर के क्या फीडबैक देते हैं कस्टमर? सर वो तो बोलते हैं कि पत्थर वाले चक्की से बहुत बढ़िया है, और घर की महिलाएं भी उनको बोलती हैं कि फलाने के यहाँ नया चक्की है वहाँ से लेके आइए। यहाँ पे मतलब जैसे कि यहाँ पे आप चला रहे हैं मशीन जी, अनाज डाल दिया, पत्थर वाली चक्की में क्या हो रहा था कि वहाँ पे रुक के खड़ा होकर पिसाई करना पड़ रहा था, इसमें ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं, ये फिक्स कर देते हैं, मोटर का लोड देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसमें क्या लगता है, क्या क्या चीज़ का पिसाई हो सकता है इसमें? जो भी अनाज है, सूखा हुआ जो भी अनाज होगा सारा कुछ इसमें पिसा सकता है। और बहुत सारा होता है गेहूँ के साथ मक्का, ये सब और भी जितने भी सारे अनाज होते हैं, दर्रा वगैरह जानवर का निकालने के लिए सारा कुछ निकल जाए? जी जी, सब हम अभी तक गेहूँ,
मक्का, उसके बाद दर्रा, ये तीन चीज़ निकाले हैं। सबसे अच्छा कौन सा अनाज का इसमें पिसाई हुआ है जी? सबसे अच्छा पिसाई कौन सा अनाज का हुआ है? गेहूं तो सबसे बढ़िया होता है, और दर्रा है कि इसका पूरा लीवर हम खोल देते हैं। आना तो इसमें लगभग मेरे हिसाब से 2 से 2.5 क्विंटल पर आवर निकलेगा। 2 से 2.5 क्विंटल निकल जाएगा? ये हमने खुद निकाला है, 50 केजी मुश्किल से हम 15 से 17 मिनट में निकाले, वो भी कोई मोटर पे लोड नहीं। इतना एम्पियर क्या लोड देते हैं मशीन चलाने के? सर हम एम्पियर मीटर तो मेरा काम नहीं करता है, लेकिन अभी आपके सामने है, ये कोई लोड नहीं है, फिर भी इस लोड पे हम 1 क्विंटल 10 केजी निकालते हैं मार गेहूँ। राकेश जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे होता है बहुत बड़ा होता है झोड़ी डाल देते हैं। इसमें है कि सर एयर के लिए है, ये जाम कभी कभी होता है कि नीचे ज़्यादा जब हम इसको झाड़ते नहीं हैं तो ये जाम हो जाता है। नॉर्मली इसको खोल देंगे, हल्का सा पुशअप किसी नॉर्मल लकड़ी हो गया या फाइबर का हो गया उससे इसको पुश करेंगे, नीचे से साफ हो जाता है। इस बैग से थोड़ा सा जो भी होता है उसको निकाल के फ्यूज में आ जाता है, फिर इसमें इसको बांध देते हैं। ये एयर के लिए है ताकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाए। बड़ा भी जिसको सहूलियत हो वो बांध सकता है, लेकिन मेरा काम भी छोटा सा हो जाता है इसीलिए बड़ा नहीं हम बांधते हैं। आप मोटर कौन से कंपनी का यूज कर रहे हैं? मोटर हम क्रम्पटन का यूज कर रहे हैं। क्रम्पटन के जी। हाइंड व्हील से कोई आपको लगता है कि गर्म होकर पक रहा है? नहीं, वो है कि जैसे आपका पुली सेंटर में नहीं है, अलाइनमेंट अगर सही नहीं मिला हुआ है तो वो महकेगा, उसके बाद फाइन वेल कटेगा भी। अगर वो एडजस्टमेंट आपका सही है तो किसी तरह का कोई शिकायत नहीं आएगा। आपके सामने चल रहा है, बहुत सारा लोग बोलता है कि आवाज़ बहुत करता है, सामने चल रहा है, हम लोग बात भी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड का तो कोई इशू नहीं? अच्छा, जिन लोगों का साउंड का इशू हो जी, हाइंड बेल्ट गर्म होने का महकने का समस्या हो, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को सर अगर मैकेनिक नहीं हो, अपने से करना हो, तो एक घर में सबके धागा मिलता है जी, ऊपर और नीचे दोनों अलाइनमेंट के सामने गिरा के सेंटर मिला लेंगे। अगर सामने होंगे थोड़ा सा भी इधर उधर उसको सामने एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद फाइन बेल्ट चढ़ा के, फाइन बेल्ट ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब लोड पड़ेगा तो फाइन बेल्ट घिसना शुरू हो जाएगा, जलेगा। फाइन बेल्ट भी एक एवरेज तरीका में टाइट होना चाहिए, तो वो सबसे लूज होना चाहिए ना, ज़्यादा टाइट होना चाहिए जी, बिल्कुल मीडियम में होना चाहिए जी। मशीन आप कहाँ से लाए हैं? सर मशीन हम वैशाली जिला महुआ से लाए हैं। भारत मशीनरी? जी भारत मशीनरी, धूपन जी के यहाँ से, धूपन गुप्ता के यहाँ जी। मुजफ्फरपुर जिला से आप गए वैशाली जिला में महुआ में? मुजफ्फरपुर जिला में भी मिलता है, आपके आसपास भी बहुत सारा मिलता है आपके जिला में जी, फिर भी आप यहाँ से वहाँ गए, क्या कारण? सर उनके यहाँ जाने का एक यही कारण था कि हमने मुजफ्फरपुर भी बहुत सर्वे किया, सर्वे में हमको ट्रस्ट नहीं हुआ। मशीन तो विजिट भी कर चुके थे पहले कई जगह? जी बहुत, लगभग मुजफ्फरपुर में जितने ये मशीन पलोलाइजर बेचते हैं या जो भी कुटीर उद्योग से रिलेटेड है, उस सभी लोगों से हमने विजिट किया, सर से भी फ़ोन पे बात किए धूपन जी से, तो वो बुलाए, हम 2 बार उनके यहाँ विजिट किए, 3रे बार में हम मशीन लाए हैं, उनसे बात किए, मशीन भी देखे, उसके बाद मशीन का लाइव रिव्यू हमने देखा है, मुजफ्फरपुर में लगा हुआ है इनका मशीन, उसका रिव्यू हमने देखा, उसके बाद बहुत सारा आपका भी वीडियो देखे, उनका भी वीडियो देखे, तो हमको ट्रस्ट और मशीन मतलब एक होता है विश्वास, इन्हीं पे हमको जमा, धूपन जी पे, और मशीन भी हमको अच्छा लगा, इसलिए हम महुआ से ही लाए। इस मशीन के बारे में पहले जानकारी आपको कहाँ से मिली? यूट्यूब से मिला, आपके चैनल से, और धूपन जी का जो धूपन गुप्ता ब्लॉग है उनसे मिला, ऐसे हम बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे। जो वीडियो आपने देखा, जो मुजफ्फरपुर में कस्टमर का रिव्यू आपने देखा डायरेक्ट, तो देख के आप मशीन लेने गए, उस उम्मीद पे खरा उतरा मशीन? एकदम 100% उतरा है, 100, उसमें कहीं से कोई ये शक का गुंजाइश नहीं है। हमने जो फीडबैक देखा, जो मशीन का क्वालिटी देखा, उसके मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी देखा, वो सब 100% है। जो सोच करके आप लाए थे मशीन, वो एकदम सोच पर खड़ा उतरा? जी खड़ा उतरा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और इसको हैंडल करने के लिए मतलब कोई भी हैंडल कर लेता, हम नवी रहते हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो टेंट का भी काम करते हैं, और इसको भी अपना हैंडल कर लेते हैं, मेरे न रहने पे भी काम हो जाता है। कोई लोग भी इसको यूज कर चला सकते हैं? जी कोई भी चला सकता है, कोई घर की महिला है, वो पार्ट टाइम करना चाहते, चलाना चाहते, वो चला सकते आराम से, वो अपने घर के काम करते हुए भी दिन में 2 घंटा निकाल लेगी, आराम से 2 क्विंटल इसमें पीस लेगी, कुछ नहीं करना है, बस एक फ्यूज देना है। और हाँ, एक ध्यान इसमें रखना है, ग्रीसिंग आपका टाइम से होना चाहिए, ग्रीसिंग होना चाहिए समय से जी, बस उसमें एक यही मेंटेनेंस, और कुछ नहीं। पिसाई हो गया? जी पिसाई खत्म। दोस्तों बात करते करते यहाँ पे गेहूँ का पिसाई भी हो गया है, अब हम क्वालिटी आपको चेक करवाते हैं किस तरीके का क्वालिटी है। अच्छा, पिसाई करते करते बिजली चला जाए,
तो फिर क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चैम्बर को हम आराम से यहाँ से आसानी से इसको खोल देंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे। और इसमें होता है कि जब बिजली चला जाता है चैम्बर, तो एक बार चैम्बर देख लीजिए, अभी इन्होंने बंद कर दिया, अभी ये जो बाकी है थोड़ा सा और चलता तो ये भी निकल जाता। जी जी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा और राउंड करता मशीन तो निकल जाता, बस थोड़ी देर अगर 10 सेकेंड और चलता तो ये भी निकल जाता। चोकर वगैरह कोई बचता तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। इसका वेस्टेज छन्नी से चालने के बाद भी मतलब 0% वेस्टेज आता है। चलिए क्वालिटी भी अभी हम चेक कर लेंगे। जी जी, क्वालिटी आपके सामने है, ये देखिए इसका क्वालिटी बहुत फाइन है। इसमें कहीं से कोई, कितने नंबर जाली का है ये? तीन नंबर जाली का है ये, और दो नंबर पे तो और पाउडर हो जाएगा। दो नंबर पे तो पूरा समझिए तो मैदा से भी मतलब बहुत महीन हो जाता है। तीन नंबर जाली का ही आप इस्तेमाल करते हैं? जी, तीन नंबर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। जो लोग मान लीजिए ये मशीन लेना चाहते हैं वो भारत मशीनरी से ले सकता है, ट्रस्ट कर सकता है 100%? ये नहीं कि हाँ गुप्ता जी से मिल के ही ले, वीडियो देख करके भी अगर जिनको लेना है वो 100% ले सकते हैं। और ये है कि किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मशीनरी चीज़ है, थोड़ा बहुत फॉल्ट आते रहेगा तो नॉर्मली है। इसमें आप खुद से मशीन में किस तरीके का फॉल्ट आ सकता है आपको क्या लगता है? अगर आएगा तो क्या, टाइम से ग्रीसिंग नहीं कीजिएगा उसमें प्रॉब्लम आएगा कि उसका सापट कट जाएगा। और जैसे ये दो जगह इसका दिया हुआ है मेंटेनेंस करने के लिए कि अनाज डालने के बाद एक एवरेज में मोटर पे लोड दे, अगर ये दोनों को खोल के डायरेक्ट डाल दीजिएगा उसे मोटर जलने का भी डर रहेगा। तो डायरेक्ट भी नहीं डालना है? नहीं, डायरेक्ट नहीं। समय समय पे ग्रीसिंग भी चेक जी समय समय हफ्ता में वही एक बार उसको चेक कर लेना है। नॉर्मली 20-30 ग्राम उसमें ग्रीस लगेगा और ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। मशीन चलाने से पहले भी कुछ चेक वगैरह करते हैं? सर, मशीन चलाने से पहले इसका नट थोड़ा सा देख लेना है क्या है, जाली सही से इसको ढंग से देख लेना है कि जाली मेरा सही है कि नहीं, ये सेंटर में होना चाहिए। उस मेंटेनेंस इसमें इस मशीन में क्या आ सकता है आपको क्या लगता है? मेंटेनेंस 0 है सर इसका। ब्लेड तो मेरे हिसाब से अगर 3 क्विंटल पर डे कोई पिस रहा है, 5 क्विंटल भी, तो 10 साल प्लस जाएगा। बशर्ते इसमें सावधानी होना चाहिए कि इस चैम्बर के थ्रू मतलब इस चैम्बर में उस बॉडी के थ्रू पत्थर नहीं आना चाहिए। पत्थर भी आएगा तो पीस के निकाल, लोहे का टुकड़ा सिर्फ वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो लोहे का टुकड़ा आएगा तो ये उसका पत्ती और जाली पे असर करेगा। इसका हम खुद आप इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए पत्थर ये सॉरी चुंबक लगाए हुए हैं। जी, चुंबक लगाए हुए हैं, उससे बचत होता है कि पत्थर उसमें ये लोहा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस मशीन को लेना चाहते हैं, इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमने धूपन गुप्ता का नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, डिस्प्ले पर दे रखा है, भारत मशीनरी का एड्रेस भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी आपको मशीन से रिलेटेड समस्या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, राकेश जी भी आपको कमेंट में समाधान देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए आइडिया किसी नए रोजगार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।